सो हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। तो कल वाला जो लेक्चर हमारे पास मैट्रिक्स का हाफ रह गया था, उसको आधा हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले, और इस पूरे लेक्चर के अंदर बात करते हैं कि और आगे कौन कौन से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर अपने कल स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करी थी कि भैया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखे थे। और अपने कुछ स्पेशल मैट्रिक्स की बात करी थी, आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। लास्ट वाली अगर वीडियो नहीं देखी आपने, चेक करना, इस 11 डेज मास्टर क्लासेस की फर्स्ट वाली वीडियो थी वो, ठीक है। उसका पार्ट ए था डे नंबर वन का, और डे नंबर टू का, डे नंबर वन का पार्ट नंबर बी है, जिसके अंदर अपन मैट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे आधा, ठीक है। और देखेंगे कि अभी लास्ट किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और अपन मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स भी देख चुके थे। आज की जो वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले दो मेन टॉपिक की बात करेंगे। पहले तो है हमारे पास कौन सी बेसिक बात करते हैं, ट्रांसपोज के बारे में, ठीक है। मैंने कुछ लिखा है पीछे, आपको दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ट्रांसपोज के अपने कल, वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कल, जिसने लेक्चर देखा हो, सिंपल था कि ट्रांसपोज मतलब ये है कि आपको रोज और कॉलम को क्या करना है भैया, इंटरचेंज कर देना है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब लेट्स से रोज कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज दोनों प्लस होता है, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस में ट्रांसपोज होगा तो ओपन हो जाता है, हर एक को अलग अलग ट्रांसपोज मिल जाता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो जब ये ब्रैकेट ओपन होता है तो बी पहले आता है और ए बाद में आता है। ये चीजें क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये प्रॉपर्टीज बहुत काम आती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करेंगे ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज किया फिर उसी का फिर वापस ट्रांसपोज किया, तो सेम अपन को वापस वही वाली मैट्रिक्स मिल जाती है। वो चीज है कोई भी कांस्टेंट है इनटू ए, उसका ट्रांसपोज है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और ए का ट्रांसपोज रह जाता है। कांस्टेंट के ऊपर ट्रांसपोज नहीं था, नहीं लगता, बिकॉज कांस्टेंट तो क्या है यार, कांस्टेंट तो क्या है, सिंपल क्या है, नंबर है, तो उसके ऊपर ट्रांसपोज लगने से रहा। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैंने कल आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया था, एक बार फिर दे देता हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि जहां पर भी ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो, मतलब पॉजिटिव हो, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, कोई भी मैट्रिक्स को रो कॉलम चेंज करने पे सेम मैट्रिक्स बन जाती है, उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा हो, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर आने का एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज बोलने का मतलब ये, एग्जाम्पल की बात करता हूँ, लेट से मेरे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने बोला ए बी बी सी, अगर मैं इसके रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करता हूँ तो मेरे को सेम मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। ये 2x2 के अंदर भी होता है, 3x3 के अंदर भी होता है, ये अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे। अब मेरा बोलने का मतलब ये, इसमें लिखा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मतलब ये होता है कि यहाँ पर ऐसे कितने नंबर है जो डिफरेंट यूनिक है, यूनिक कितने नंबर है, वो कितने है? एक तो ए है और एक बी है और एक सी है, टोटल 3 नंबर जो है यूनिक है। अगर इस फॉर्मूले में रख के देखें तो 3 आना चाहिए, ठीक है ना। एन बराबर क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, क्योंकि अपने पास 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अगर डालते हैं यहाँ पर 2 तो कितना आएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना है 3 आ गया, 3 टोटल नंबर ऑफ यूनिक नंबर्स कितने हो गए, 3 हो गए। इसको बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। अगर ये 3x3 के लिए बात करेंगे तो जो मैट्रिक्स थी 3x3 के लिए वो कैसी बनती, ए बी सी लिया और यहाँ पर बी आएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आएगा, सी डी सी का सी यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ई अभी से आ जाएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये कुछ दोनों एक कॉमन एक स्टैंडर्ड है भैया कि 2x2 जब अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की तो यही वाली बात करेंगे, और 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर यही वाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, क्योंकि इन सभी के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के ऊपर ये सेम मैट्रिक्स हमको वापस मिलेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज काउंट करनी है तो 3 रख देंगे एन की जगह, यहाँ रख देंगे 3, तो 3 प्लस 1 अपॉन 2 तो कितना 6 आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर यहाँ पर 6 आ रहे हैं, अपन चेक कर सकते हैं, ऐसा बोले मतलब, ठीक है। तो ये थोड़ा एक जनरली क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अपन ने कल स्केलर वाले में बात की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इसक्यू का मतलब होता है जहां पर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ क्या, ए का ट्रांसपोज हो जाए, कि जहां पर क्या ए और ए के ट्रांसपोज के अंदर माइनस कॉमन आ जाए, मतलब कि एक मैट्रिक्स का रो और कॉलम चेंज करने पे उसमें माइनस कहीं से कॉमन आ जाए, बाहर आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट और बिफोर लास्ट क्वेश्चन आया था, अपन सॉल्व करेंगे कैसे बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, ये सब मैंने आपको नीचे नोट्स दे रखे, उसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी डाउनलोड कर रहा हूँ, हर एक वीडियो के अंदर आपको नीचे नोट्स दे रहा हूँ, जो भी हर एक पूरे सिलेबस के नोट्स दे रहा हूँ मैं आपको, उसके अंदर जो भी मैट्रिक्स का है आप लोग प्रिंट निकालने, और जैसे जैसे हम चैप्टर्स करते आ रहे हैं नोट्स साथ में रखे खोलकर, और खुद भी नोट्स बनाते रहे यहाँ से देख देख कर, समझते रहे चीजों को, ठीक है। अच्छा, एक मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो है ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है, द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। एक छोटी सी चीज यहाँ पर कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है ऑड ऑर्डर की, ऑड ऑर्डर मतलब होता है कि n बराबर 3 या फिर 5, मतलब ऑड नंबर में जो होता है ऑर्डर 3x3 5x5, तो ऑड ऑर्डर की जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अगर मैं उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालता हूँ, डिटरमिनेंट में उसका रख के वैल्यू निकालता हूँ, तो हमेशा जीरो आती है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। वो मैंने इसलिए यहाँ लिखा है ये चीज, ये आपको सेम सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब कभी भी ए प्लस ए ट्रांसपोज दिखता है जहां भी, उसका मतलब वो
क्या है, सिमेट्रिक कंडीशन को बता रहा है, और जहां पर ए माइनस ए ट्रांसपोज दिखता है वो इसको सिमेट्रिक कंडीशन को बता रहा है, ये याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जाना कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, वैसे तो हमको पता ही है पर लेकिन मैं मोटा मोटा आइडिया देता हूं। एडजॉइंट मतलब होता है कि लेट्स एग्जांपल के लिए कोई एक मैट्रिक्स दे रखी मैंने a बराबर a11 a12 13, एक जनरल मैट्रिक्स ली हुई है 3 क्रॉस 3 की, राइट, 3 क्रॉस 3 की। किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट होता है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर। अब यह कोफैक्टर क्या होता है, बोसो को पता ही होगा कोफैक्टर, सब एनसीईआरटी का काम है, कुछ ज्यादा बार नहीं है। कोफैक्टर इसको नहीं पता बात कर लेता हूं। कोफैक्टर मतलब होता है कि ये होता है कोफैक्टर का फॉर्मूला कि कैपिटल सी से कोफैक्टर को नोट किया जाता है। कोई भी किसी का अगर कोफैक्टर निकालना हो तो आई जे क्या होगा, माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू एम ऑफ आई जे। एम क्या होता है भैया, माइनस। अब माइनर कैसे निकालते हैं तो मैं डायरेक्टली आपको कोफैक्टर निकाल के बता दूं सबका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। देखो लेट्स से मेरे को बोला कि सी वन वन, ये देखो मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या, ये इस वाले का पर्टिकुलर इस वाले नंबर का कोफैक्टर, तो सी वन वन आ गया। इसका सेम कोफैक्टर तो सी वन टू सी वन थ्री। अभी कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, मैं आपको फॉर्मूला अगर याद भी ना हो तो मैं आपको बताया था डायरेक्ट कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है। कोफैक्टर इसको अपन मिटाया था ऊपर का, अभी इससे कुछ काम नहीं है। कोफैक्टर निकालना है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको सी वन वन निकालना है तो सी वन वन की वैल्यू होगी माइनस वन की पावर वन प्लस वन सी ऑफ आई जे। अगर मैं आई जे की जगह वन वन रख रहा हूँ इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ तो वन प्लस वन इंटू डॉट एम ऑफ आई जे। एम ऑफ आई जे मतलब होता है माइनर। माइनर कैसे निकाले जाते हैं, लेट्स अगर इस नंबर की बात करते हैं तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ के बाकी जो चार नंबर है इसके अंदर दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, ये मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्या होगा ए टू टू डॉट ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू डॉट ए टू थ्री, ये चीज होगी दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस। इस वाले के लिए मैंने बोला आपको इस वाले का निकालना है कोफैक्टर तो इस रो और इस कॉलम को छोड़कर क्या करूंगा मैं, दिस ए वन टू मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस ए थ्री टू मल्टीप्लाई बाय ए वन थ्री, ये क्या माइनर हो जाएगा। बाकी माइनस वन की पावर जो है टू प्लस वन है तो माइनस वन की पावर टू प्लस वन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा वो अपन यहां लिखते हैं। ऐसा करके जो मैट्रिक्स बनेगी इसको क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने बता दिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात, अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऐसा क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टीज इसकी हर एक क्वेश्चन में काम आने वाली भी है, ध्यान समझेंगे। चार से पांच प्रॉपर्टी है। नंबर पहली प्रॉपर्टी कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए को और अगर ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। डिटरमिनेंट चैप्टर में बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली वाली वीडियो के अंदर, पर लेकिन डिटरमिनेंट को पता होना चाहिए कि ए का डिटरमिनेंट हमने सिंपल पढ़ाई, डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है। उसके साथ साथ में क्या लगा आई, आई अपने लास्ट वाली वीडियो के अंदर बात कर चुके थे। आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि सबकी दोस्त होती है, इसको किसी जोर से मल्टीप्लाई करने से कुछ करने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या फिर ये रिवर्स भी पॉसिबल है। तो एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए, ये दोनों आपस में रिवर्स भी पॉसिबल है, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वाली प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखें। नंबर सेकंड वाली प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं तो क्या होगा, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन बनता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का भी एडजॉइंट वो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए। सेम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बात करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर माइनस वन का होल स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए बी, दो मैट्रिक्स है उसके एक सिंगल एडजॉइंट लगा रखा है तो अगर ओपन होगा तो एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। एडजॉइंट ऑफ के अगर कोई अंदर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट अगर बाहर आता है तो बाहर अगर उस कॉन्स्टेंट की पावर एन माइनस वन हो जाएगी। एन क्या है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर की वो ऑर्डर एन सब जगह ऑर्डर है, थ्री क्रॉस थ्री या टू क्रॉस टू कौन सी मैट्रिक्स चल रही है, ठीक है ना। ये सब कुछ यहाँ पर हो जाती है, यहाँ तक की बात ये सब कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब सब सेम है, थ्री क्रॉस टू टू थ्री क्रॉस थ्री टू क्रॉस टू फोर क्रॉस फोर फाइव क्रॉस फाइव, इस टाइप से मैट्रिक्स चलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या इनवर्स। अब एक बार टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, उसके बाद अपन क्वेश्चन लाइट लगा सॉल्व कर लेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इनवर्स का मतलब है कि सिंपल ए इंटू आई इज इक्वल टू आई, सो ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, ए बी का मल्टीप्लीकेशन आई की इक्वल है। आई मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस कली कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब ये ए उधर जाएगा तो कोई भी मैट्रिक्स इक्वल टू के इधर इधर आती है तो उसको इनवर्स हो जाती है, ठीक है। तो बी बराबर ए इनवर्स, तो ये क्या हो गया ए इनवर्स, तो ये आपस में बी और ए आपस में दोनों क्या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बी इक्वल टू ए इनवर्स, अगर हमको एक फॉर्मुला डिराइव करना है फॉर्मुला क्या होगा, तो अगर क्वेश्चन में सॉल्व करें फॉर्मुला तो उसके लिए करेंगे, ये जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी इस वाली फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को लिया, इस इन दोनों को लिया सेम, यहां से लेकर ये इस वाले एक्सप्रेशन को लिया और दोनों तरफ राइट और लेफ्ट के अंदर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो इस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया राइट और लेफ्ट के अंदर। इतना करने से क्या हुआ, यहां पर ए इनवर्स और ये कुछ नहीं था मतलब वन, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आई बना दिया और आई मल्टीप्लाई होकर कुछ नहीं होगा, तो ये चीज टर्म खत्म हो गई, ओनली एडजॉइंट ऑफ ए बचा। और यहां पर क्या बचा, ओनली डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको नीचे लेकर आ गए तो ए इनवर्स बराबर कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, ए इनवर्स का, बिल्कुल समझ में आ रही है यहां तक। ये डेरिवेशन टाइप अगर मान सकते हैं जो भी चीज है, ये स्टेप हमको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को, आप तीन चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लास्ट ही रहे थे उन सभी के अंदर ये स्टेप बहुत काम आती है और इन स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं।
ठीक है, हमको ज्यादा नंबर के अंदर खेलने की जरूरत नहीं है, देखते आगे। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है भैया, ए बी का इन्वर्स होगा अगर ओपन करेंगे तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है, रिवर्स होकर ओपन होगा जो कि एडजॉइंट में हो रहा था। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज हो सकता है, ए कोई भी ए की पावर के है उसका इन्वर्स वो आपस में 12 के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब अपन सीधा सीधा जो आते हैं, ये तो अपने बात कर ली किसकी, ये सब कुछ बारे में इन्वर्स वगैरह सब कुछ अपने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब जो है अपन सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन अभी तक अपन ने किए नहीं है। लेट्स एक क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ट्राई करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है सिंपल, ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ही सॉल्व कर रहा हूँ। देखो आपको लेट्स से ऐसे क्वेश्चन के अंदर कुछ बोला गया है कि फॉर एग्जांपल के लिए कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमको दे रही है आपको क्या 4, एक एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपको दे रही है क्या 4, लेट्स इसको 4 ना लेके इसको ले लेते हैं अपन 8, राइट। क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8 गिवन है। उसके बाद जो आपको गिवन है, सॉरी ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट गिवन है, यहाँ पर डिटरमिनेंट में है, ये एडजॉइंट ऑफ ए किसमें है, डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू रखी है एडजॉइंट ऑफ ए, उसकी वैल्यू 8 दे रखी है। साथ ही साथ के अंदर आपको दे रखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी 2 दे रखी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी दे दी और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी दे दी। इससे बोला कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, ये जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा बता दो, यानी कि हमको एन निकालना भी है, क्या निकालना है हमको एन निकालना है। तो कैसे निकालें इस वाले क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना, सिंपल अगर बात करते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पे ध्यान दो, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग रही है, आंसर निकल जाएगा। ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर आए थे इसलिए आपको बता रहा हूँ, सीबीएसई वाले लेवल के क्वेश्चन भी जेई के अंदर आते हैं, हमेशा याद रखना, जेई के अंदर इजी और हार्ड दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे, तो सीबीएसई वाले क्वेश्चन भी कितनी बार आते हैं, मतलब उस लेवल के आते हैं क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें प्रॉपर्टी को लगाता हूँ तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू देगी मेरे को 8 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देगी क्या 2 की पावर कितनी एन माइनस 1, 8 को क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 की पावर 3, और मैं इन दोनों कंपेयर करता हूँ तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि n यहाँ से कितना आ गया भैया 4 आ गया, नहीं आ गया, तो मतलब हमारी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है कितना है 4x4, यहाँ तक समझ में आ रही बात। ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर भी काम आ जाती है। ऐसे बेस्ड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इस फोर्थ फिफ्थ थर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को बन सकता है, तो आपको वैल्यू रखकर और आंसर निकालना आना चाहिए बस, राइट। यहां तक की तो बात क्या क्लियर है, कितनी बार वो एन दे देगा आपको कुछ डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ लेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन वो है कर सकता है। ऐसे सिमिलर अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा हमको, क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, बस कपड़े को थोड़ा गीला कर लेते हैं हम लोग। चलो क्या है कि इस बोर्ड के ऊपर हर चीज जो है वो थोड़ा इसको चीजों को गीला करने से चीजें मिट रही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था सेम, वापस बात करते हैं, 2015 के अंदर आया था, किसमें आया था ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर आया था। अच्छे क्वेश्चन अच्छे अच्छे होते हैं, राइट, आ जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन इसमें भी आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर हार्ड क्वेश्चन और जेई के अंदर इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। सब तरह क्वेश्चन जो मिल रहे हैं यहाँ से भी उसको उठा लो। लेट्स आपको बोला है कि एक कोई मैट्रिक्स है कोस थीटा, ये मेरे पास क्या चीज साइन थीटा, उसके बाद ये एक मैट्रिक्स इसमें दे रखे एलिमेंट 2x2 की मैट्रिक्स साइन थीटा, यहाँ लिखा है कोस थीटा, ये कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, कोस थीटा साइन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, ऐसा कुछ गिवन है। आपको बोला है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन फाइंड कर दो, क्या फाइंड करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन, मतलब ये जो डिटरमिनेंट इसमें ए की पावर एन लगा रही है उसको फाइंड करना, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके अंदर अगर ध्यान दें, इसको अगर ओपन करें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन का मतलब ये कि इसमें बहुत सारे होंगे ए ए ए एन टाइम्स चले होंगे, ये चीज क्लियर है। ए का मतलब एन, ए की पावर एन का मतलब क्या है, ए डॉट ए डॉट एन टाइम्स तक चलोगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसको ओपन करते हैं तो हमको पता है डिटरमिनेंट हर एक वैल्यू को अलग अलग मिल जाता है अगर वो मल्टीप्लाई में हो तो, ठीक है ना। तो इसको अलग मिल गया डॉट, इसको डिटरमिनेंट अलग मिल गया, ऐसे करके एन टाइम्स तक चलता रहेगा। नेक्स्ट बात करता हूँ कि मेरे को बस एक डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाए तो मैं यार कर दूंगा आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर मिल जाएगा, ए मेरे पास गिवन है। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा इसको, तो डिटरमिनेंट निकालते समय कैसे निकालते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 2x2 के अंदर ऐसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, तो कितना होगा इसको इसको मल्टीप्लाई कितना होगा, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस एक और फॉर्मूले में आ ही रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो आइडेंटिटी बन गई भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 होता है, उठाकर यहां रख दिया तो 1.1.1. n टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सब तो क्या आंसर 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ करके चीजें आंसर आ जाती, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर हो सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, जो कि चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जिसको बोलते हैं हम क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। भैया सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं, इसके लिए मैं बस सब कुछ एक बार यहां से मिटा देता हूं, राइट। चीजों का आप चाहो तो साथ साथ में लिख सकते हैं और चीजों को अच्छे से देखते हुए चल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इन
सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। देखो वैसे तो अगर बात करो तो डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन वहां से दिखकर सॉल्व हो जाते हैं आसानी से, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब क्या होता है, लाइक से फॉर एग्जांपल के लिए आपको इक्वेशन दे रखी है a1x + b1y + c1z = d1, ऐसा वाला आपने देखा होगा। इसको बात कर रहा हूँ क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये बात कर रहा हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो तीन इक्वेशन दी होगी आपके पास, b1 a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। अगर हम इसको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में रखते हैं तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये रखते हैं। और अगर मैं इन सब में से x y और z यहां से कॉमन लेता हूं बाहर, तो x y और z ये एड्स की मैट्रिक्स आई थी, इज इक्वल टू इसको रख देते हैं मैट्रिक्स में यहां पर d1 d2 और d3, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि सॉल्व वगैरह कहने का मतलब इक्वेशन टाइप बन जाती है जो आपने सिंपल सब में 12th बोर्ड के अंदर हमने पढ़ ली है। और वैसे तो सीधा क्वेश्चन कराना चाहिए मेरे को पढ़ लेकिन एक बार बात कर लेते हैं इसके लग गया। तो ये सिंपल क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं एक्स और ये हो गया बी नाम देते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है ax = b, मतलब अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना आता है x = a inverse b, एक अगर मैं उधर ले जाता हूं तो ये आ जाता है क्या फॉर्मूला किसका, x = a inverse b। और a इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास कौन सा, ये दे रखा है अभी अपने निकाला था a इनवर्स, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। a inverse = कितना, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, अगर उठा के यहां रख देता हूं तो हमारे को जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर x इसलिए किसलिए काम आ रहा है कि यहाँ पर अगर x y z की वैल्यू निकालनी हो तो इसलिए काम आता है। वैसे मेनली बात करता हूँ तो क्वेश्चन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से कम आते हैं जेई के अंदर। अगर आपने ध्यान दिया तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो हमको एक्स और वाई जेड की अलग अलग तरह की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। तो इस वाले फॉर्मूले को लेकर हमको वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता जाता है, पर जेई के अंदर से लेंदी वाले क्वेश्चन नहीं आते, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आएंगे, तो वहाँ इसके चांस कम रहते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से आने के। पर हमको इतना ध्यान रखना है कि ये जो क्या होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता क्या है। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर क्या है, इसके अंदर अलग अलग केसेस बनते हैं। अलग अलग केसेस कैसे बनते हैं एक बार देख लेते हैं कौन कौन से केस यहां पर बन सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बार देख रहे हैं तो हर चीज को साथ साथ में देखते हुए यहां पर चलेंगे, ठीक है। अगर मैं केसेस की बात कर रहा हूं तो कौन कौन से केस यहां पर बन रहे होंगे, पेन का ढक्कन एक मिनट लगा लेते हैं। यस, अगर मैं केसेस की बात करता हूं यहां पर तो ध्यान देंगे ये जो है x = a inverse b, इसके कुल लगे हुए दो केस होते हैं, ठीक है ना। केस नंबर पहला जहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं होगा, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ a = 0 होगा, दो केस हो सकते हैं भैया। ये क्या चीज है, अगर मैं इस ए इनवर्स के अंदर ये फॉर्मूला उठा के रखता हूं, ये फॉर्मूला, तो देखो यहां पर नीचे का डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा है तो सब कुछ यहां से डिसाइड हो रहा है। अगर ये नीचे वाला डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हुआ तो केस क्या होगा, और अगर 0 हुआ तो क्या होगा। अगर 0 नहीं होता है तो इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर होता है भैया यूनिक सॉल्यूशन। इस सिस्टम के क्या होंगे, इस सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, हमको एक ही आंसर निकलेगा। जो भी अननोन इसमें आपको क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन का तो कोई अननोन दिया होगा आपको, ठीक है, वो आंसर निकालना पड़ेगा यूनिक सॉल्यूशन से। अगर यूनिक सॉल्यूशन के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर फिर दो केस निकलते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे क्या कि वो ट्राइवल सॉल्यूशन होगा या फिर क्या नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। वो डिसाइड होता है किससे, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। अगर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 हो गया या फिर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो सकता है, इस केस के अंदर क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंस होगा और नॉन ट्राइवल होगा। इसके अंदर बात करते हैं यहाँ पर सिस्टम क्या होगा, ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, ये केस होता है। तो यहाँ पर इस केस के अंदर ये कंडीशन लगती है, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो केस नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, और एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन एटलीस्ट हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो पहला केस, सेकंड वाला केस अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो इसके अंदर फिर अब इसके दो केस बन जाते हैं। ये दोनों केस यूनिक सॉल्यूशन के केस है, और यहां पर जो दो अलग अलग केस बनते हैं इसके अंदर सेम अपन वापस इन्हीं को चेक करेंगे। इसमें जब चेक करेंगे तो सेम एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 और या फिर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इज इक्वल टू 0 हुआ इस केस के अंदर क्या होगा भैया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और यहां पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन के अंदर सिस्टम क्या होते हैं, कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट होते हैं। यहाँ पर इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ निकालना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इसको चेक करो, इतना ज्यादा कुछ, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। हमारे बोलने का मतलब यह था कि ये हमको पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिट वगैरह किस में आता है, बस इसलिए आपको मैंने बताया।
इनवर्स समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, इनवर्स क्या होता है समझ में आ गया। अब सीधा अपन कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं भैया, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो लास्ट ही रहे थे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। हाँ तो हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट एक बार क्वेश्चन पेपर की जो है एक कटआउट जो है उसकी इमेज आपके पास स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा ताकि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के साथ साथ देख सको, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आपको लिखा है वो ऐसा कुछ लिखा है बोर्ड के ऊपर, ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा कि ए इज इक्वल टू जो आपको दे रखा है ऐसा कुछ ए ऑफ आई जे यहाँ पर आपको दे रखा है। एक इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है और बोला गया कंडीशन दे रखी इफ वी ऑफ आई जे इज इक्वल टू थ्री की पावर आई माइनस जे डॉट ए ऑफ आई जे। ये कंडीशन के अंदर ये कंडीशन हमको लगानी है और इस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना है कि आई कोमा जे जो होगा वो 1, 2, 3 हम ले सकते हैं और इक्वेशन आपको दे दी बोलने का मतलब ये मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं और आपको बोला क्या है कि आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं प्रूव करने के। उसके ऐसा कुछ है कि शायद 9 डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी ऐसा कुछ है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। फिर आपको बी ऐसा कुछ दे रखा है, सी ऐसा कुछ दे रखा है, डी ऐसा कुछ दे रखा है, तीनों चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक होगा शायद डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी ऑप्शन दे रखा होगा, एक 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी ऐसा कुछ दे रखा होगा, एक डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन याद नहीं है, मैंने ऑप्शन इसमें लिखे नहीं है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं चार, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये बोलना चाह रहा है भैया कि आपको क्या करना है यहाँ पर चीजें चेक कर रही है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर मैं इसको ध्यान दूँ इसके अंदर मैं तो डिटरमिनेंट लगा लेता हूँ, इसको डिटरमिनेंट में चेंज कर देता हूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3i - j डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर इस टाइप से कुछ कुछ देखते हैं कि अगर कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, तो क्या करते हैं एक बार इसको मैट्रिक्स में रखते हैं। लेट्स एक बार इसकी ना मैट्रिक्स बनाते हैं अपन। तो बी जो मैट्रिक्स है होगी क्या, 3i - j और ए की जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स में इन चीजों को डालते हैं तो कैसी बनेगी, जो बी की जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास वो कुछ इस टाइप से बनेगी। लेट्स से बी 1 1 बी आई जे की डालता हूँ, बी 1 2 बी 1 3 बी 2 1 बी 2 2 बी 2 3 बी 3 1 बी 3 2 बी 3 3 ये तो हमारे से हो गया इज इक्वल टू इसके अंदर 3i - j और ए 1। अगर मैं बात करता हूँ बी 1 1 बी की जगह 1 1 डालता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा 3 की पावर, अगर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर कितनी होगी 1 - 1 डॉट ए 1 1 यही होगा। अगर मैं इस फॉर्मूले में डाल के इसकी इक्वेशन बनाता हूँ तो बी वाली बी वाली मैट्रिक्स को बना रहे अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ये मैट्रिक्स बी वाली है, ठीक है, इसको अपन बना रहे हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट इस वाले में डालते हैं बी 1 2 तो कितना होगा 3 की पावर 1 - 2 ए 1 2 उसके बाद 3 की पावर 1 - 3 ए 1 3 ऐसा कुछ चलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 3 की पावर 2 - 1 ए 2 1 3 की पावर 2 - 2 ए 2 2 3 की पावर 2 - 3 ए 2 3 3 की पावर 3 - 1 ए 3 1 3 की पावर 3 - 2 ए 3 2 3 की पावर 3 - 3 ए 3 3 इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, मैं इसी में सॉल्व कर लेता हूँ। तो वहां पर 1 - 1 कितना जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कितना 0, 1 - 2 कितना बच जाएगा -1, 1 - 3 कितना बच जाएगा -2, 2 - 1 कितना बच जाएगा 1, 2 में से 2 का कितना 0, 2 - 3 कितना बचेगा -1, 3 - 1 कितना बचेगा 2, 3 में से 2 का कितना बचेगा 1 और 3 में से 3 का कितना बचेगा यहाँ पर 0। ये 3 की पावर थी, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है वहां पर 1 होता है, तो यहाँ से तो क्या 3 हो ये पूरा गायब हो जाएगा, ओनली ये बचेगा 3 की पावर -1 ये बचा रहेगा। इसमें से ही बात करें तो ये पूरा गायब हो जाएगा यहाँ से और ये नंबर भी गायब हो जाएगा क्योंकि पावर में 0 है, बाकी ऐसा कैसा बचा चल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मल्टीप्लाई में पढ़ाइए। अब ध्यान दें तो हमको थोड़ा ये ऑप्शन देखें तो इस ऑप्शन के अंदर हमको कुछ प्रूव करना है। LHS इक्वल टू RHS डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ई, अगर मैं इन दोनों के अंदर डिटरमिनेंट लगाता हूँ इन दोनों टेकिंग डिटरमिनेंट वो तो साइड इन दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाऊंगा तो आपको पता होगा कि डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी चीज को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर मैं किसी भी चीज को कॉमन बाहर निकालता हूँ तो या तो एक पर्टिकुलर रो के अंदर से या फिर पर्टिकुलर कॉलम के अंदर से बाहर आएगी, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भी एक पर्टिकुलर रो में जाकर मल्टीप्लाई होगी और पर्टिकुलर कॉलम में जाकर मल्टीप्लाई होगा। पर मैट्रिक्स के केस के अंदर कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते थे तो हर एक नंबर से जाकर मल्टीप्लाई होता था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा देते, उसको डिटरमिनेंट में क्या करते हैं चेंज कर देते हैं और कुछ यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए कुछ अपन कॉमन और मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना, सिंपल कुछ कॉमन करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे और कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स से मैंने इसको करा डिटरमिनेंट में चेंज कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दो तो एग्जांपल के लिए लेट्स से जगह नहीं है, इसके अंदर क्या करेंगे, हमको दिख रहा है कि हमको यहाँ पर माइनस की वैल्यू को क्या करना है खत्म करना है, तो ट्राई करेंगे इस अगर इस फर्स्ट वाली रो के अंदर मैं 3 की पावर 3 से
या फिर बात करता हूँ 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट वाली रो के अंदर, तो 3 की पावर 2 क्या है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 की पावर -2, 3 की पावर +2 हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो मतलब इस वाली ये माइनस जो पावर है चली जाएगी। इस वाली के अंदर अगर मैं 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस वाली के अंदर, तो ये जो माइनस है ये वाली माइनस क्या है यहाँ से चला जाएगा, मुझे माइनस की पावर खत्म करनी है ताकि मेरे पास आंसर आ सके। ठीक है, लेट्स ट्राई करते हैं। तो जो लेट्स से मैंने बोला कि मैंने 3 की पावर 3, ध्यान दो, मैंने 3 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया, मैंने 3 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया बाहर की तरफ। अब जो बाहर के अंदर डिवाइड वाला पड़ा उसको तो रहने दिया, जो मल्टीप्लाई में पड़ा है 3 की पावर 3 इसको क्या करा अंदर ले लिया। अब अंदर लेते समय भी क्या करा कि 3 की पावर 2 को ध्यान देंगे, 3 की पावर 2 को तो मैंने इस वाली रो से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 की पावर बची हुई 3 की पावर 1 को इस वाली रो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 की पावर 3 कुल मिलाकर 3 थे, 2 तो इसको मल्टीप्लाई किया और 1 से इसको मल्टीप्लाई किया ताकि ये माइनस की जो पावर है वो खत्म हो सके, तभी जाकर सॉल्व होगा, क्योंकि सब की पावर पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉमन लेने के लिए, अब कुछ पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव में, इसलिए अगर मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ ध्यान दो, तो 3 की पावर 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये भाई यहाँ पे 3 की पावर 2 आ गया, जब 3 की पावर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 पॉजिटिव का 1 माइनस का, तो 2 - 1 कितना बचेगा 1, तो ओनली 1 रह गया ओनली यहाँ पर। ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो 2 + 2 - 2 क्या हो गया 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म यहाँ से क्या चली जाएगी, जो कि हमारा एम था हमको ले जानी थी, इतना हो गया। जब इसको 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ओनली 3 आ गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 1 से 1 खत्म हो गया, मतलब ये 0 हो जाएगा, तो ये चली जाएगी, इतना कुछ काम हो गया। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करा अपन ने, अब ध्यान दें यहाँ पर, ये तो अपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, अब मैं सोचूं कि देखो इसमें ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पर 3 की पावर 2 इसमें से फर्स्ट कॉलम में से कॉमन बाहर आ रहा है और सेकंड कॉलम में से 3 की पावर 1 बाहर आ रहा है, बाकी के अंदर तो 3 है ही नहीं, चला गया, तो 3 की पावर 2 3 की पावर 1 मैंने वापस बाहर ले लिया कॉलम नंबर और कॉलम नंबर 2 से, तो 3 की पावर 3 वापस बाहर आ गया, तो वापस कैंसिल कर दिया, तो बाहर कुछ नहीं बचा, और अंदर भी ध्यान दें कॉमन लेने के बाद क्या बचा, ये सब कुछ यहाँ से चला गया और ये सब कुछ यहाँ से चला गया, तो अंदर ध्यान दे तो क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए बन गया, और यहाँ पर क्या डिटरमिनेंट ऑफ बी तो चल ही रहा था, और यहाँ तो कुछ नहीं 1 बचा, मतलब ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ये बी वाला दिख रहा है, इस टाइप से कुछ चीज समझ। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और ऐसे करके चीजों का थोड़ा क्या ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2022 में ऐसा कुछ था कि यहाँ पर आपको दे रखा गिवन ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा रखा है कुछ गिवन है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और बी इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज, इसका मतलब ये आपको गिवन है कि बोला ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, मतलब अभी अपने देखा था कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज अब होता है उसको क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आपको पता हो अभी अपने देखा था, तो ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी क्या है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये गिवन है। उसके उसने पूछा है, उसने ऐसा बोला है कि सी कुछ दे रखा है सी इज इक्वल टू ए की पावर 5 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए की पावर 5 ये दे रखा है, और दे रखा है एक और मैट्रिक्स दे रखी है डी, ठीक है डी आपको दे रखा है ए की पावर 4 बी 3, इस डी को उठा के अपन थोड़ा सा उधर लिख देते हैं ताकि सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहे, डी यहाँ लिख देते हैं अपन, जो दे रखा है आपको ए की पावर 4 बी की पावर 3 माइनस बी 3 ए की पावर 4 ऐसा दे रखा है। इसमें बोला कि सी और डी मैट्रिक्स क्या होगी बता दो, कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कौन सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ऑप्शन आपने देखे होंगे। ठीक है ना, आपको ऑप्शन पूछ रहा है, पहले के अंदर दिया है कि स्क्यू एक सी स्क्यू है डी स्क्यू नहीं है, फिर बोला कि आपको डी स्क्यू है और सी स्क्यू नहीं है, उसके बाद बोला कि आपको सी और डी दोनों स्क्यू है फिर सी और डी दोनों स्क्यू नहीं है, ऐसा करके कुछ बोला है, चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर कभी कुछ नहीं करना, देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, कैसे चेक करें इतनी सारी पावर आ गई पावर कैसे सॉल्व करना है, अपन ने सिंपल जो कॉन्सेप्ट है ना ए और माइनस ए सॉरी ए और ए का ट्रांसपोज जो कि प्लस में इसको सिमेट्रिक कहते हैं, बी इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज इसको क्या बोलते हैं इसको सिमेट्रिक कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें और इसको दोनों तरफ क्या करते हैं ले लेते हैं अपन ट्रांसपोज, क्योंकि जो भी चीज चेक करते हो ट्रांसपोज से करते हैं, तो अपन यहाँ पर ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों तरफ राइट और लेफ्ट की तरफ, तो सी का ट्रांसपोज लिया तो ये कितना बनेगा ए की पावर 5 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए की पावर 5 का ट्रांसपोज। ठीक है, लेट्स से यहाँ भी लेते हो चलते हैं, इसके साथ साथ ही कर देते हैं इसको, ए की पावर 4 बी की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 ए की पावर 4 का क्या ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अपने पढ़ी थी कि सर भैया कि ट्रांसपोज के अंदर अगर प्लस आ रहा हो तो ट्रांसपोज दोनों टर्म को अलग अलग मिल जाता है, वो ओपन हो जाता है, तो यहाँ भी अगर ओपन करते हैं तो कितना बनेगा ए की पावर 5 बी स्क्वायर का ट्रांसपोज माइनस बी स्क्वायर ए की पावर 5 का क्या ट्रांसपोज, सेम यहाँ भी बनेगा ए की पावर 4 बी क्यूब का ट्रांसपोज माइनस बी की पावर 3 ए की पावर 4 का क्या ट्रांसपोज,
यहाँ तक तो बात के क्लियर है। ट्रांसपोज के अंदर एक और प्रॉपर्टी बड़ी थी कि जब ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में होता है तो वो रिवर्स होकर ओपन होता है, पहले बाद वाला आता है उसके बाद स्टार्टिंग वाला आता है, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर अपने स्टार्टिंग में बात की थी। तो जब भी ओपन होगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर पहले आएगा ट्रांसपोज, उसके बाद क्या आएगा ए की पावर फाइव का ट्रांसपोज माइनस ए की पावर फाइव का ट्रांसपोज बी स्क्वायर का ट्रांसपोज। इसमें ध्यान दे कितना आएगा बी क्यूब का ट्रांसपोज ए की पावर फोर का ट्रांसपोज माइनस ए की पावर फोर का ट्रांसपोज डॉट बी की पावर थ्री का ट्रांसपोज। अब ध्यान दो यहाँ पर, तो अगर मैं इसको ओपन खोलता हूँ तो ट्रांसपोज जो है बी स्क्वायर, बी का ट्रांसपोज क्या होगा जो कि ये नेगेटिव, क्योंकि बी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो नेगेटिव में आएगा, पर लेकिन बी का स्क्वायर होने की वजह से, बी के स्क्वायर होने की वजह से जो ट्रांसपोज है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या है सेम टू सेम आंसर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा क्या बी स्क्वायर जो कि रहेगा वो उसका वही ट्रांसपोज रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगा बी स्क्वायर आएगा। उसके बाद ए की पावर फाइव के अंदर बात करते हो तो ए तो ओनली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पॉजिटिव ही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते माइनस ए की पावर फाइव तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस था पर लेकिन स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा बी, क्योंकि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है वो रहेगा। अब ध्यान दें यहाँ पर, तो इसको अगर इस वाली से कंपेयर करें, इस वाली से इसको इस हमको कंपेयर करो ऊपर, तो क्या है ये देखो बी स्क्वायर ए की पावर फाइव ये टर्म जो थी ये इसमें आगे आ गई, और ये जो टर्म है ए स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर ये स्क्वायर ये टर्म आगे थी और यहाँ पर पीछे आ गई। मतलब अगर इन दोनों में कंपेयर करूं तो अगर मैं इसको इसके जैसा बनाना है, इसको इसके जैसे बनाना, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है एक माइनस का फर्क है पता हो, तो अगर मैं इसको आगे लेता हूं इसको पीछे लेता हूं माइनस कॉमन लेता हूं तो मुझे पुरानी टर्म मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सी का ट्रांसपोज है वो क्या माइनस सी बन गया। भैया ये तो सी का ट्रांसपोज ही था, ये तो ट्रांसपोज चल रहा था, उसके बाद जब ये जब मैंने इसको कॉमन लिया माइनस तो जो सी बन जाएगा, तो सी का ट्रांसपोज क्या माइनस सी आ गया। मतलब क्या पता चला यहाँ से कि सी क्या एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। सेम काम यहाँ करना है, इसमें देख लेते हैं। अब ध्यान दो यहाँ बी नेगेटिव था लेकिन पावर थ्री है, मतलब नेगेटिव पावर थ्री होगी तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये माइनस आ जाएगा बाहर और बी की पावर क्या थ्री, बाकी ए तो पॉजिटिव था तो चले गई, यहाँ माइनस होगा ए की पावर फोर था चले गई। अब यहाँ पर भी बी थ्री है तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा तो ये प्लस हो गया बी की पावर थ्री, राइट। अगर इसको मैं ऊपर वाली से कंपेयर करूँ और देखूँ तो ऊपर वाली के अंदर बी थ्री और ए फोर, ये देखो बी थ्री ए फोर नेगेटिव में और यहाँ पर ये चीज नेगेटिव में, सेम ऊपर ए फोर बी थ्री क्या है पॉजिटिव में और यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब ये ऊपर और सेम ये दोनों क्या है बिल्कुल सेम टर्म है, मतलब यहाँ पर माइनस लेने की जरूरत नहीं। मतलब यहाँ क्या पता चलता है कि जो डी ट्रांसपोज है वो डी के इक्वल है, मतलब ये क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब जो ऑप्शन के अंदर आपको शायद फोर्थ वाला ऑप्शन दिया होगा जिसके अंदर बोला है सी तो इसको सिमेट्रिक है और डी क्या है सिमेट्रिक है, ऐसे करके हमको चेक करना है। तो पावर को होल्डिंग जरूरत नहीं थी, सिंपल चेक किया और आंसर यहाँ से क्या अगर हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन यहाँ बता रखा है। भैया जल्दी से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को क्या कहता है और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को क्या बोलना चाह रहा है एक बार प्रवास जल्दी से चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। लास्ट दो क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद अपन खत्म करेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमको बोल रहा है वैसा कुछ है कि आपको क्वेश्चन के ऊपर लगा रखा है कि ए ऑफ वन जे प्लस ए ऑफ वन जे टू जे प्लस ए ऑफ थ्री जे, ये कुछ आपको वन दे रखा है ऐसा उस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, और वो बोल रहा है ए वन वन बराबर टू है और ए थ्री वन बराबर फोर ये गिवन है, और आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है टेन, और आपको बोला है क्या फाइंड करना है हमको ए टू वन क्या होगा ये फाइंड करना है, फाइंड ए टू वन पे कैपिटल ए क्या है स्मॉल ए क्या है वो देख लेते। इसमें क्वेश्चन में दिया भी है कि एडजॉइंट ऑफ ए को क्या बोला इसने आपको वो ए ऑफ आई जे होगा, मतलब यहाँ पता चल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए होगा कैपिटल ए, और कैपिटल एडजॉइंट ऑफ मैंने देखा था अभी एडजॉइंट क्या होता है कोफैक्टर होता है, मतलब यहाँ पर कैपिटल ए क्या एक तरह का कोफैक्टर है। अभी कोफैक्टर का फॉर्मूला हमको पता ही है, तो यहाँ पर क्या करना बस चीजों के अंदर कोफैक्टर लगाना सॉल्व करना है। पहला जो दे रखा है उसके अंदर का ध्यान दें तो मैट्रिक्स थ्री क्रॉस थ्री की है, तो हम जो जनरल मैट्रिक्स लेंगे वो कौन सी लेट से एग्जाम्पल ले लेते हैं ए इज इक्वल टू यहाँ ले लेते हैं सिंबल वही ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री इतना कुछ ले लेते अगर अपने यहाँ पर लेट से एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसका ए वन वन निकाल दूँ ए वन वन जो इसने दे रखा ये वो कितना होगा अगर ये होगा क्या कोफैक्टर कोफैक्टर मैंने बोला था कि भाई कोफैक्टर मतलब क्या होगा माइनस वन की पावर वन प्लस वन डॉट इसका माइनर इसका माइनर मतलब इस फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के मतलब ये तो दिस मल्टीप्लाई दिस ए टू वन माइनस सॉरी ए टू वन ए टू टू डॉट ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू डॉट ए टू थ्री ये कुछ होगा क्या ए वन वन होगा इसकी वैल्यू क्या दे रखी है इसने टू दे रखी है ये देखो वन प्लस वन इसकी पावर स्क्वायर है तो माइनस क्या होगा हट जाएगा तो ये हट जाएगा तो सिंपल यहाँ पर क्या हमारे पास ये कुछ बचेगा इतना कुछ ये टर्म बच जाएगी
ये हो जाएगी क्या इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। ऐसे इक्वेशन नंबर टू क्या, इससे बनेगी ए थ्री वन। ए अगर मैं थ्री वन निकाल दूं जो कि कोफैक्टर है, थ्री वन थ्री मतलब ये, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसको इसको छोड़ के मतलब इन चारों के अंदर करना है, दिस मल्टीप्लाई विद दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, तो माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन माइनस किसका होगा ए वन टू डॉट ए टू थ्री माइनस ए टू टू डॉट ए वन थ्री, ये करा इजिकल टू कितना फोर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई टू आ गई, ये तो स्क्वायर हो गया खत्म हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर टू आ गई। दो क्वेश्चन से गिवन होगी, हमको निकालना क्या भैया ए टू वन निकालना है, ए टू मतलब ये निकालना है, तो इसको और इसको छोड़ के दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, ये करना पड़ेगा। पर लेकिन इन सब के लिए इसकी वैल्यू चाहिए होगी, इसने हमको क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दी, देखो ये इसका मतलब क्या है कि इसने बोला जे इजिकल टू कितना बोला यहाँ पर, जे इजिकल टू वन टू थ्री बोला है, जे बराबर वन कोमा टू कोमा थ्री लेना है, मतलब जे अगर वन रखता हूँ इसमें तो ए वन वन प्लस ए वन टू सॉरी ए टू वन प्लस ए थ्री वन बराबर वन होगा, ए सेम ऐसे करके बात करूं तो टू वन प्लस ए ए वन सॉरी ए टू टू प्लस ए टू थ्री इजिकल टू कितना होगा, ये भी वन होगा, ए वन थ्री प्लस ए वन टू थ्री प्लस ए, अच्छा इसके अंदर ओनली थ्री टू है, थ्री टू और यहाँ पे क्या है थ्री थ्री इजिकल टू क्या होगा वन होगा, तो मतलब इसने बोला कि सिंपल तीन इक्वेशन यहाँ से आ गए, तो इक्वेशन नंबर मैंने नाम दिया इसको इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन नंबर फाइव, तो तीन इक्वेशन पांच इक्वेशन बन गए, इक्वेशन वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है ना। करना क्या भैया यहाँ से कुछ कुछ वैल्यू निकाल लेंगे इसके अंदर रखेंगे, अच्छा एक इक्वेशन और दी इसने डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टेन, अच्छा एक का डिटरमिनेंट क्या होगा, अच्छा एक का जब डिटरमिनेंट निकालूंगा वो टेन दे रखा है, इसको डिटरमिनेंट में लेके वैल्यू सॉल्व करें, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता ही है, सेम इस वाली वैल्यू को डिटरमिनेंट निकाला इसको मल्टीप्लाई करूंगा दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, फिर सेम इसके लिए करूंगा सेम इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए सेम इसके लिए जो गेम कर रहे थे डिटरमिनेंट को निकालना आती है, एक क्वेश्चन वहां से आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार बता दूं आपको निकाल के, तो ए वन वन कितना होगा, ए वन वन ए टू वन ए टू वन ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू डॉट ए टू थ्री, ये होगा सबसे पहले तो, ठीक है ना, उसके माइनस की टर्म आएगी, ठीक है, ये मैं निकालू डिटरमिनेंट निकालू इस वाली मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट, पहले इसके लिए निकालना है, तो ए टू वन अंदर क्या बचेगा, ए वन टू मल्टीप्लाई बाय ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू डॉट ए वन थ्री, ये कुछ बचा, प्लस बात करेंगे ए थ्री वन इसके लिए होगा, तो यहाँ पर सेम इस दोनों के लिए होगा, तो क्या होगा ए वन टू डॉट ए टू थ्री माइनस ए टू टू डॉट ए वन थ्री, ये हो गया इजिकल टू कितना टेन, इधर का डिटरमिनेंट में रखे भैया डिटरमिनेंट ओपन करेगा और कुछ नहीं कर, डिटरमिनेंट ओपन कर दिया, अब इसमें ध्यान दो तो ये जो चीज है ए टू टू ये जो टर्म है ए टू टू थ्री 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 टू टू थ्री ये जो टर्म का बन रही है ये वाली जो टर्म बनेगी हमारे पास वो बन रही है कहाँ पर ए टू टू जो थ्री टी वाली सम है ये पहले के अंदर बन रही है, अच्छा ये रहा टू वन इसमें मैंने टू टू लिखा, ये रहा ये जो पहली वाली टर्म बन रही है ए टू टू थ्री 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 टू टू थ्री है, इसकी पूरी पूरे की जगह क्या आ जाएगा टू आ जाएगा क्योंकि टू के इक्वल है, सेम ये जो टर्म है वन टू टू थ्री टू वन थ्री थ्री ये वाला नंबर थर्ड वाली टर्म थी ये इसकी जगह क्या आएगा फोर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है, ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है ये तो चीज़ है देखो टू वन ए टू वन कैपिटल टू वन ये उठा के क्या रख दूंगा मैं यहाँ रख दूंगा इसकी जगह, तो तीन टर्म के अंदर बस एक तो निकालनी थी जो है और इन दोनों की वैल्यू दे रखी है आपको ए वन वन ए वन टू ए थ्री वन की वैल्यू निकालनी, इस क्वेश्चन तीन दे रखी है एक दो तीन चार पांच क्वेश्चन दे रखी है, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स हो जाएगी, इधर उधर क्वेश्चन यहाँ से वैल्यू पुट करना, यहाँ से वैल्यू निकालूंगा ए टू वन की तो इन दोनों के उधर ले जाऊंगा वन के उधर, ए टू वन की वैल्यू उठाकर क्या करूंगा इसमें लाके पुट कर दूंगा टू वन की जगह, तो वन वन थ्री वन और थ्री वन के अंदर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, तो कुछ कैसे वैल्यू चेंज करके आंसर आएगा, तो क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखेंगे और तो क्वेश्चन सॉल्व जाकर सॉल्व हो जाएंगे, जरूरी नहीं कि हमारे पास हम प्रैक्टिस करते समय हर एक चीज का आंसर निकाल ले, हम क्वेश्चन को अप्रोच करना भी सीख गए तो एग्जाम के अंदर आप आंसर निकाल लोगे, तो इसको पूरा घर पर ट्राई करें, ठीक है, और कोशिश करें इसकी इनको कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अभी तक के लिए क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी जो है 2022 के अंदर आया था, राइट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन और सेख लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या है इसके अंदर जो मैट्रिक्स के बाहर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं सिंपल, ठीक है, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी होता है यार, इसमें ये चीज होती है, ठीक है, तो बेसिक एनसीईआरटी के तो सब लेवल के क्वेश्चन को पूरे करने ही है और साथ साथ के अंदर जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो देख रहे हैं कैसे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे प्रॉपर्टीज काम आ रही है तो इन सबको देखते हुए जो हम चीजों क्या सॉल्व करनी, तो पॉसिबल है कि 95% चांस जो है हम चीजों को क्या सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर जो हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन 2019 में, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ भैया। क्वेश्चन ऐसा कुछ बोलता है कि आपको एक मिनट ऑप्शन लगा रखा आपको स्क्रीन के ऊपर लगा रखा है कि बी मैट्रिक्स देगी आपको माइनस टू माइनस टू माइनस वन जीरो,
ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बोला कि एंड ए इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए इनवर्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, आपको बोला कि ए इनवर्स बी क्या है, बी इनवर्स, ये क्वेश्चन जो है ये कंडीशन आपको गिवन है, ए इनवर्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स। एक और कंडीशन गिवन है कि यहाँ पर क्या है, के ए इनवर्स इज इक्वल टू टू बी इनवर्स प्लस आई, ये एक कंडीशन और इसमें क्या है, इसमें गिवन दे रखी है। सो बोला कि वेयर के इज द सम स्केलर एंड आई इज द 2×2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर 2×2 मैट्रिक्स है सारी, देन वैल्यू ऑफ के इज, के की वैल्यू क्या होगी बता दो, के की वैल्यू फाइंड करनी भैया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखने में बहुत हार्ड लग रहा है भैया, कितना हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, क्या क्या चीज देखिए समझ में नहीं आ रहा कुछ। सिंपल अगर सोच के देखें तो हमको निकालना के है, हमको क्वेश्चन में वी की वैल्यू दे रखी है, मतलब हमारा टारगेट ही हो सकता है कि बी मैट्रिक्स तो गिवन है, के निकालना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो बी के अलावा ए वाली मैट्रिक्स एक्स्ट्रा आ रही है, ए के लिए हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ए वाली मैट्रिक्स हम कहां से लेके आए, तो और कोशिश करते हैं कि ए वाली जो मैट्रिक्स है वो एलिमिनेट हो जाए इन इक्वेशन से। अगर ए वाली मैट्रिक्स एलिमिनेट हो गई तो हमारे पास ओनली बी बचेगा और के बचेगा, तो बी की हमारे पास मैट्रिक्स है तो उठा के रख देंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। ए को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो, अगर वैल्यू निकलेगी तो निकालते, नहीं तो एलिमिनेट करते हैं। ध्यान दें अगर तो किसी भी इक्वेशन को उठाकर ए इनवर्स की वैल्यू अगर मैं इस वाली इक्वेशन से उठाकर इसमें रख दूं या फिर इस वाली इक्वेशन से उठाकर इसमें रख दूं तो पूरी इक्वेशन जो है वो बी और के में आ जाएगी और ए एलिमिनेट हो जाएगा जरूर। जो अगर मैं इसको बोलूं तो ए इनवर्स बराबर इस के को नीचे ले जाते हैं तो कितना आएगा, टू बी इनवर्स प्लस आई अपॉन के हो जाएगा। ये क्या आ गया, ए इनवर्स अपन निकाल लिया, इससे इसको उठा के अगर मैं यार इस वाली क्वेश्चन ऊपर ले जाता हूँ तो ये वाली क्वेश्चन क्या बन जाएगी हमारे पास, अगर मैं इस वाली क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दूँ इसको ऊपर ले जाता हूँ, इस वाले बी इनवर्स को क्या करें, इस बी इनवर्स को भी इस तरफ ले जाते हैं, तो अगर मैं बी इनवर्स को इधर लाता हूँ तो बी ए इनवर्स बी इज इक्वल टू उधर आई, इस वाले बी को भी अपन इधर लिया, सबको एक तरफ लेकर आगे, जब उधर कुछ नहीं बचता तो मतलब वहाँ क्या बचता, आई बचता है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर आई बचता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इस वाले बी को मैं इधर लेकर आ गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया अपन ने, ए इनवर्स है, ए इनवर्स की वैल्यू उठाकर रखनी है, हमको पता भैया ये जो है ना एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये ब्रैकेट को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, डॉट बी इज इक्वल टू आई, ठीक है, इन दोनों को साथ में ब्रैकेट दे दिया, इसको अलग रखा, ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि ये बता दूं उसको, जब वैल्यू उठा के जब अपन रखेंगे इस वाली इसके अंदर वैल्यू उठा के रखा यहाँ पर इसके अंदर, तो बी अब ए इनवर्स की जगह ये उठा के रखी वैल्यू ये वाली पूरी ब्रैकेट की, तो ये कितनी है, टू बी इनवर्स प्लस आई डिवाइडेड बाय के, ये वैल्यू इसके अंदर है, और ये बाहर क्या पड़ा है, ये वाला बी पड़ा है इज इक्वल टू आई। यहाँ तो समझ में आया, कुछ नहीं करना है, बी वाले को उठा के इधर लाए, सब टर्म को एक साथ लेकर आए और यहाँ से ए को के को नीचे भेज के ऊपर वाली इक्वेशन रख दिया, कुछ नहीं करा, इसको उठा के रखा है ऊपर बस, और बाकी अपन आगे सॉल्व कर रहे हैं। इस वाले को इधर लेने से क्या हुआ, अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं, ये मैंने बी इधर इसलिए लिया ताकि बी इनवर्स और बी आपस में कैंसिल हो जाए, क्योंकि इनवर्स और एक बिना इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ लिया। अब इसको उठा के जब यहाँ रख रहा हूँ, इसको अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कितना आएगा, टू बी बी इनवर्स अपॉन के, तो एलसीएम उधर चल जाएगा, प्लस ये बी अंदर जाएगा तो बी यहाँ पर हो जाएगा, बी से कोई डॉट आई हो जाएगा, ठीक है मान लेते हैं इसको, और बाकी बाहर हमारे पास बी पड़ा ही है, इज इक्वल टू के डॉट आई उधर चला गया, इसको अगर करा तो बी से यहाँ पर बी हट जाएगा तो टू बचेगा, ये वाला बी अंदर आएगा ब्रैकेट में, टू बी प्लस ये बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, के डॉट आई, यहाँ तक सुना तो चल रही है बस, आ गया इक्वेशन बी और के के अंदर, कुछ नहीं करना, बी की जो हमारे पास है उठा कर रख देंगे, ये बी है यहाँ रख देंगे, तो टू बी को उठा कर रखा, बी की मैट्रिक्स कौन सी है, -2 -2 -1 0 ये रखा, प्लस बी स्क्वायर, अब यार इसको क्या करना, आप 2×2 मल्टीप्लाई करना आता है मैट्रिक्स को, तो इसको दो बार मल्टीप्लाई करना तो बी स्क्वायर मिल जाएगा, जो भी आएगा यहाँ पर डॉट बी और बी करके मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू के इंटू आई। भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2×2 की क्या होती है, जहाँ पर डायगोनल में 1 1 होता है और यहाँ पर 0 0 होता है, ये अपन लास्ट क्लास में अच्छा बात कर चुके थे, ठीक है ये कुछ बनेगा। तो यहाँ जो सॉल्व करके आओगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा 2 0 0 और 2 इज इक्वल टू के 1 0 0 1, ये तो ऑलरेडी क्या चल ही रहा है। अब इसको कंपेयर करूँ तो 2 और 2 इस पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आ रहा है, बाकी 0 0 है, तो 2 और 2 क्या इस पूरी मैट्रिक्स से एक सिंगल 2 क्या कॉमन आ जाएगा, तो जब ये कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 1 0 0 1 इज इक्वल टू के 1 0 0 1, यहाँ से कंपेयर करता हूँ तो के बराबर कितना आ गया भैया, 2 आ गया, ऐसा कुछ करके। तो सिंपल क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा था, बट एक्चुअली में था नहीं, और प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है बढ़िया वाली, ए इनवर्स को उठाकर ऊपर रख दिया, ए इनवर्स को एलिमिनेट करना था क्योंकि ए के हमारे पास कोई वैल्यू कोई कंडीशन नहीं थी, हमारे पास कोई ऐसा नॉलेज ऐसा कोई था नहीं कि ए कम मैट्रिक्स को निकाल सके, उसको एलिमिनेट करने के लिए उठा के वैल्यू ऊपर रख दी, कुछ नहीं करना, काटा पीटा मल्टीप्लाई डब्बा इधर उधर करके सॉल्व कर दिया और बस कुछ नहीं करना, आंसर निकल गया, ज्यादा कुछ ऐसा हार्ड था नहीं। तो क्वेश्चन को लिख कर ट्राई करेंगे तो चीजें क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, यहाँ खत्म करते हैं इसको। मैट्रिक्स हमारे पास जो है, मैट्रिक्स जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने आपको बताया है, ट्राई कराया कुछ कुछ ट्राई करें, और कुछ कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको
डाल दूंगा जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हमारे को इस वाले चैप्टर से जो होंगे हमको एज ए प्रैक्टिस आपको करनी है, तो मैं उसको पीडीएफ का लिंक आपको नीचे दे दूंगा क्योंकि मैट्रिक्स से रिलेटेड का, और बाकी नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर अपन डिटरमेंट वगैरह बाकी चैप्टर्स की बात करेंगे। ड्रॉइंग के ऊपर भी वीडियो आपको आ रही है। बाकी थैंक यू सो मच, अपना प्यार दिखाएं, वीडियो को पूरी पूरी देखें, अच्छे से शेयर करें और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे। कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपकी आने वाली वीडियोस के अंदर इस वाली वीडियो के अंदर से कमेंट करके डाउट उठाकर आपको मैं बाद में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय यार, बने रहने के लिए वीडियो पे, गुड बाय, थैंक यू सो मच।